एक्चुअली मैं एक इंडिविजुअल टीचर हूँ, माँ गायत्री क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट है आगरा में, उसमें। और मैं क्लास 11th और 12th फिजिक्स लेता हूँ, फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ बच्चों को। और मेरा काफी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। शुरू के एक महीने में तो हम यही सोच पाए कि क्लासेस कैसे लें, किस तरीके से लें, तो चैनल क्रिएट करना, चैनल के बाद अलग अलग एप्स का यूज करना, तो एक इंडिविजुअल टीचर के लिए तो काफी मुश्किल होता है। अगर कोई टीम होती है उसके पास तो एक अलग बात है। तो काफी दिक्कतें आई सर, और बच्चों को भी काफी परेशानियां आई, और बच्चों के साथ कोप अप किया हमने, बच्चों ने हमारे साथ भी किया। सर एक्चुअली जो आपकी जो ये एवरडेमी ऐप थी, इससे पहले मैं दो ऐप और बनवा चुका था। सबसे पहली जो एक्चुअली जब सोचा था तो हम सबने मिलकर सोचा किया जाए, तो एक मेरे फ्रेंड थे, तो फ्रेंड था यानी कि आप कह सकते हो कि फ्रेंड का एक म्यूचुअल फ्रेंड हमें मिला, और वो ऐप डेवलपर ही थे पर्सनल। तो सर उनसे मैंने और उसके बाद उनसे ऐप बनवाई। तो जब ऐप बन के तैयार हुई तो उसमें कुछ कमियां थी, फिर मैंने वहां से मूव ऑन करके एक कंपनी थी, काफी फेमस कंपनी है, आजकल यूट्यूब पर भी उनके एड वगैरह चलते हैं, तो उनसे भी मैंने ऐप बनवाया। बट सर जब ये जो आपकी ऐप है, ये थर्ड ऐप है, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने सबसे पहले मुझे 4 से 5 दिन अपनी ऐप को यूज करने के लिए दिया, और उसके बाद आपने कहा कि इफ यू विल बी सेटिस्फाइड तो आप अपनी ऐप को डिजाइन करवाएं और हमें पेमेंट, जो कि ये मेन सबसे बड़ा फीचर है जो पिछली दो ऐप में मिसिंग था। एक्चुअली उस समय हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि पहली बार में ना तो आपको कोई एग्जैक्ट आइडिया होता है, ना ही फीचर्स के बारे में एग्जैक्ट पता होता है। तो फिर वगैरह जो है वो उनको बताई, जो पहली बार जो हमें डेवलपर मिले थे उन्हें, तो वो उन्होंने कहा कि वो कई और जो क्लाइंट्स हैं उनके उनके लिए वो डेवलप कर चुके हैं, और उन्होंने काफी हद तक ऐप अच्छी डेवलप की थी, बट उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो हमारी लाइव क्लास के रिगार्डिंग या टीचिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो है मुझे सही नहीं लगे, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। और उनका जो प्राइस था सर, वो आप ये मान लीजिए कि 50,000 प्लस था ईयरली, 50,000 प्लस था, और सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था। और हमें, चूंकि हम पहली बार ये सब काम करा रहे थे, तो हमें ये चीज लगी कि शायद यही एक प्राइस रहता है। बट जब मैं एक कंपनी से बनवाया और उसके बाद जब आपसे बनवाया, तो मेरे को काफी बड़ा डिफरेंस फील। थ्रू जब हम कोई ऐप बनवा रहे हैं तो उसमें, और एक इंडिविजुअल डेवलपर से जो ऐप बनवा रहे हैं उसमें बहुत अंतर आ रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि कहाँ आपकी ऐप का, जैसे मैंने जो ले रखा है 8,000, 10,000, 12,000 इसके अराउंड रहता है, और जो इंडिविजुअल था डेवलपर उसके थ्रू जो ऐप हम लेना चाह रहे थे या जो हमने बनवाई थी, वो 50,000 के आसपास थे जो मिसिंग थे। और अगर वो फीचर्स मिसिंग नहीं होते तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इतना बड़ा अमाउंट इनपुट करने के बाद फिर शिफ्ट नहीं करते, मूव ऑन नहीं करते दूसरी या तीसरी ऐप में। तो पहली और दूसरी ऐप में कुछ बेसिक चीजें थी, लाइव क्लास प्रॉपर तरीके से हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, और स्टूडेंट डेमो लेता है तो डेमो लेते समय भी ऐसा नहीं कि हमें उसके लिए पे करना हो, वीडियोस को ऐड करना, जो पीडीएफ्स हैं नोट्स हैं उनको अपलोड करना, ये काफी इजी होना चाहिए एक इंडिविजुअल टीचर के लिए। अगर किसी टीचर के पास एम्प्लॉयज हैं या पर्टिकुलर व्यक्ति है कि हाँ भाई आप इस ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो किसी भी पर्टिकुलर ऐप को चला सकता है, लेकिन इंडिविजुअल टीचर के लिए मेरे को लगा कि पिछली दो ऐप्स में कुछ कुछ दिक्कतें थी जो आपकी ऐप में नहीं आई। जब हमने दूसरी वाली जो एक कंपनी के थ्रू नोएडा बेस्ड कंपनी ऐप डेवलप कराई, तो उसमें सर यूट्यूब के थ्रू लाइव वाला जो फीचर था वो प्रॉपर था ही नहीं, यानी कि आप ऐप के लाइव की फीचर को यूज कर सकते हैं लाइव क्लास लेने के लिए, जिसके लिए आपको पेमेंट करना है, और ज्यादातर ऐप्स में यही है जहां तक मुझे पता है ना। तो सर ये चीज जो थी कि, तो एक आप कह सकते हैं कि एक सडन हमें लगा कि अरे ये तो बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि नो स्टूडेंट विल बी एग्रीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू टेक डेमो। डेमो हर डेफिनेटली बच्चे को फ्री चाहिए, कुछ दिन का डेमो चाहिए, हम अपनी तरफ से दे सकते हैं लेकिन बच्चा नहीं देगा। तो ये चीज भी ना बच्चे के लिए बेनिफिशियल रही ना हमारे लिए बेनिफिशियल रही।
तो इसके अलावा ये है कि सर चीजों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको मैसेज करना है और एक असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी वर्चुअल असिस्टेंट है। तो इस तरह की चीजें जो है मतलब काफी प्रॉब्लमेटिक होंगी एक इंडिविजुअल टीचर के लिए। आपकी ऐप में ये भी चीज मेरे को लगी गुड है। आप एक इंडिविजुअल टीचर जो है उसके पास अपनी एक स्टूडियोज करके ऐप है जिसमें वो वीडियोस को ऐड कर सकता है और यूट्यूब के थ्रू प्रॉपर आप लाइव ले सकते हैं। आपकी ऐप के अंदर भी एक आ, आ, फीचर है जिसके थ्रू हम लाइव क्लास लेना चाहें तो मीटिंग लेना चाहें तो मीटिंग कर सकते हैं। सर देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा हम लोग जूम से या गूगल मीट से भी चला सकते हैं, बट मैंने अपने साथ में कई और टीचर्स थे जिनको और खुद मेरी भी कई बार जब मैंने यूट्यूब से डायरेक्ट क्लासेस ली या गूगल मीट से डायरेक्ट क्लासेस ली तो उसमें मुझे भी कई सारी प्रॉब्लम हुई। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जो है उस लिंक के थ्रू आ सकता है, बच्चे एक दूसरे को शेयर, वो आपकी क्लास के स्टूडेंट के अलावा भी कोई स्टूडेंट आके न्यूसेंस क्रिएट कर देता है, बीच में माइक ओपन कर सकता है या कुछ भी वर्डिंग्स लिख के जा सकता है। तो ये कई टीचर्स के साथ मैंने देखा और एक दिन एक क्लास में मेरे साथ भी ये हुआ। देन आई फेल्ट कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म या एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट को ना तो जैसे अगर हम यूट्यूब पर डायरेक्ट क्लास लेते हैं तो उसमें साइड से भी बहुत सारे सजेशंस आते हैं। तो मुझे कई सारे बच्चों के पेरेंट्स ने तो ये कहा कि सर ये बच्चा क्लास ले रहा होता है लेकिन क्लास के दौरान ये वीडियोस वगैरह देखा देखता है, हमने ऐसे नोटिस किया है। तो ये सारी चीजें जो पेरेंट्स से उसके बाद हम लोगों को फील हुआ कि एक अलग से एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे के और हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो एक स्टूडेंट हो चाहे वो एड हो कुछ भी। तो उसके लिए हम लोगों ने ऐप बनवाने का डिसीजन लिया था। कोई भी अगर नया इंडिविजुअल टीचर अगर स्टार्ट करना चाह रहा है या जो ऑफलाइन में अच्छे टीचर्स हैं और वो ऑनलाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक नीड है कि उन्हें एक ऐप या एक अलग से एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें उनके बीच और स्टूडेंट के बीच थर्ड कोई न्यूसेंस जैसी चीजें क्रिएट ना हो। सर्विस जो पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैंने आपको भी कई बार डायरेक्टली मैसेज किए कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स कराने हैं, तो आपने कभी भी ये नहीं कहा कि सर नहीं हो पाएगा, आपने हमेशा ये कहा कि हाँ हो जाएगा। काफी इम्प्रूवमेंट्स मैंने पिछले 6 से 7 महीने देखे हैं जो ऐप के अंदर हुए हैं। सर तो टीचर्स ने हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि ऑफलाइन में एक्चुअली एक पर्टिकुलर रीजन की, बट ऑनलाइन में हमने देखा कि दूर के भी स्टूडेंट, बाहर की सिटीज के भी, जैसे मेरे पास लखनऊ के, जयपुर के और गाजियाबाद के कई सारी अलग अलग सिटीज के स्टूडेंट्स जुड़े लास्ट ईयर और अभी भी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं था। या आप कह लीजिए कि कई स्टूडेंट ऐसे रीजन में रह रहे हैं जिनके आसपास टीचर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें। अच्छा और बेकार तो वो जज तब कर पाएंगे जब उनके पास ऑप्शंस हो, तो उनके पास पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं है या है भी तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है अपने घर से, तो वो उस चीज को आप कह सकते हैं कि टेक कर सकते थे। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हमसे जुड़े तो हमें तो ये लगता है कि एक हाइब्रिड मॉड्यूल जरूर हमें अपनाना चाहिए आगे चल के अगर ओपन होती है उसके बाद भी। सर जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ी चीज तो मुझे यही लगी कि आप प्रोडक्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले उसे 3 से 4 दिन 5 दिन जो है उसे चेक कर सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मुझे लगता है इस ऐप के अंदर आपकी कंपनी के इस प्रोडक्ट में। दूसरा मेरे को ये लगा एक फीचर की आप एडमिन पैनल अलग प्रोवाइड कराते हैं, टीचर्स के लिए एक अलग से ऐप है और स्टूडेंट की एक अलग ऐप है। तो स्टूडेंट्स के पास एक अलग ऐप है और टीचर्स अपनी ऐप में लेक्चर्स ले सकते हैं, उसे अपलोड करा सकते हैं, नोट्स अपलोड करा सकते हैं और एक एडमिन जिससे कि बहुत सारे बैचेस हैं या जो कोर्सेज हैं उनको टीचर रीच आउट नहीं कर सकते, उन तक नहीं टीचर की एक्सेस रहेगी। जो अच्छा सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो बहुत अच्छा फीचर है उस कोचिंग के लिए जिस कोचिंग में कई सारे टीचर्स हैं और सबको अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने होंगे। इसके अलावा सर और भी कई सारी चीजें थी जैसे कि जो ओवरव्यू देखा जाए ऐप का जो है सिंपलेस्ट सिटी वाली चीज जो होती है वो भी काफी अच्छा लगता है। क्या होती है कि पूरी ऐप जो है भर दी जाती है, इसमें यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है सब जगह पूरी ऐप में भर दिया जाता है तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि कौन
सी चीज कहाँ पर है, तो बच्चे भी कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो वो चीज भी काफी आपकी ऐप के अंदर जो लोगोज हैं या जो बैनर्स हैं वो सिंपलिस्टिक फॉर्म में थे।